हर एक के मन में स्फूर्ति जागृत होती है, एक मोटिवेशन जागृत होती है, जिससे आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति पे भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। गए कुछ थलसेना के कैंप थे, कुछ अभी आरडीसी वाले कैंप थे और बाकी कुछ सीएटीसी वाले कैंप थे। इन कैंप एम्पावरमेंट ऑफ द यूथ के अंदर में इतना बड़ा योगदान निभाएगी जिसके लिए आज कोई नहीं, मतलब कोई छोटा व्यक्ति नहीं, बल्कि सर आप लोग थोड़ा अंदर हो जाइए, सर थोड़ा अंदर हो जाइए, अंदर आइए। बेटा आप लोग थोड़ा सा इधर पीछे बता देना। और आमतौर पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब खड़ी होती है, शुरू होती है, तो उस वक्त ऐसी कोई सोच होती नहीं है, एक बेसिक सोच, और उस सोच के ऊपर काम शुरू होता है। तो मैं आज उन सभी को याद करना चाहता हूं जो हमारे बीच हैं या ना भी हैं, जिन्होंने पिछले 75 साल में अपना योगदान अपने अपने अहदे के हिसाब से, रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से दिया, जिसके वजह से आज मैं और आप यहाँ खड़े हैं और इस प्रांगण में, इस मशहूर बरेली कॉलेज के प्रांगण में इस स्थापना दिवस को मना रहे हैं और बड़े जोश और फक्र के साथ मना रहे हैं, खुशी के साथ मना रहे हैं, और न सिर्फ हम मना रहे हैं, पूरा देश इसको मना रहा है। ये हमारे लिए उन सभी की परिश्रम, जो योगदान उन्होंने दिया उसका, आप ही में से गए वर्षों में इतने सारे कैडेट्स जो भारतीय सेना में आए, ऑफिसर बने, देशी और जवान बने, और जिन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी देकर भी भारत की सोवरेनिटी को, संप्रभुता को बनाए रखा, उनको भी याद करता हूं। उन सभी का आशीर्वाद है, उन सभी की मेहनत है, उन सभी का खून पसीना है कि आज जब आप ये हरी ये खाकी वर्दी पहन के निकलते हैं बाहर, तो आपके अंदर एक फक्र की भावना जागती है, आपके अंदर एक इस तरह की भावना जागती है कि आप अपने आप को एक सिपाही के समान समझते हैं और हैं भी, और न सिर्फ आप समझते हैं लेकिन आज देश के हमारे प्रधानमंत्री, देश की जितनी भी बाकी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन वाले, वो भी इसको मानते हैं। देखिए एनसीसी ने अपनी स्थापना की आज 75वीं वर्षगांठ मनाई है। 1948 से एनसीसी की जो यात्रा प्रारंभ हुई थी, आज वो ऐसे मुकाम पर आ पहुंची है जहां युवाओं को उनकी सार्थक और रचनात्मक ऊर्जा के प्रयोग के लिए एनसीसी दिशा निर्देश तो देता ही है, लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा कि ये न केवल देश का बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। और मुझे लगता है कि युवाओं को अनुशासित रखने में, राष्ट्र की एकता में जितना योगदान एनसीसी का है, उतना किसी भी और संगठन का नहीं हो सकता।